हरे कृष्णा व्यूअर्स, कैसे हो? आज व्लॉग बनाते हैं, अपना पुश डे है, बट पुश डे बहुत देर बाद है, अभी हो रहे हैं 6 बजे है, तो अपना पुश डे होगा 10:30 या 11 बजे के करीब शुरू होगा। उससे पहले अपनी शिफ्ट है, तो शिफ्ट में क्लाइंट्स को एक्सरसाइज करानी है एंड उनका भी पुश डे है, क्योंकि मैं जो फॉलो करता हूँ वही सब मैं सबको फॉलो कराता हूँ। तो अभी चलते हैं फ्लोर पे, दिहाड़ी लगाते हैं अपनी, ठीक है, शुरू करते हैं, चलो मिलते हैं आगे। तो सारी मेरी पीटीज हो गई अभी अपना प्री वर्कआउट के लिए, 2 से 3 आधा घंटा पहले वर्कआउट से। एंड तो मैं हर किसी को यही सजेस्ट करता हूँ कि वर्कआउट से आधा घंटा पहले यू शुड हैव 1 या 2 बनाना, तो वो आपका एज अ फ्यूल काम करते हैं, तो हर कोई ले सकता है। हाँ जी, तो शिफ्ट हो गया ख़त्म, तो अब वर्कआउट शुरू करते हैं, वार्म अप वगैरह करेंगे। वार्म अप मेरा सेम ही है पिछले 2 सालों से, ठीक है। फिर उसके बाद अपना पुश डे आज, पहले चेस्ट करेंगे, अगर उसके बाद मन करा तो शोल्डर भी कर लेंगे, बिकॉज शोल्डर मेरे इतने अभी ठीक नहीं है, देखते हैं। चलो फिर बाकी बातें वर्कआउट के दौरान करते हैं, ये गाने चल रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे को म्यूट ही करना पड़ेगा, तो बाकी कॉन्वर्सेशन वीडियो के बीच में चलती रहेगी। हरे कृष्णा। जैसे मैंने बोला था, वर्कआउट से पहले वार्म अप सेम ही है, पहले टो टच, देन रोटेटर कफ की स्ट्रेचिंग, देन ये स्किपिंग 500। तो मेरे को पर्सनली स्किपिंग बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ये सबसे सेफेस्ट है एंड इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ही कम है, तो मैं खुद भी रेगुलर ये करता हूँ एंड अपने हर क्लाइंट को प्रेफर, मतलब बोलता हूँ कि प्रेफर करता हूँ कि आप भी वही करें, तो बहुत अच्छी मूवमेंट है। तो ये 500 स्किपिंग इज़ इक्वल टू 100 to 200 कैलरीज बर्न। फिर उसके बाद मैं अपने हिंदू पुशअप्स 10 to 12 रिपीटेशन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद अपने गॉबलेट स्क्वाट्स। तो ये मेरा वार्म अप, मेरे को काफ़ी टाइम से यही कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा यूज़ हो गई है बॉडी इसके। तो वार्म अप हो गया था मेरा कंप्लीट, उसके बाद हम अपनी पहली कंपाउंड मूवमेंट में आते हैं। मैं हर किसी को यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने वर्कआउट की स्टार्टिंग हमेशा ही कंपाउंड मूवमेंट से करनी चाहिए, चाहे वो बेंच प्रेस हो, वेटेड स्क्वाट हो, डेडलिफ्ट हो, बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट बॉडी की बहुत ज़्यादा रिकवरी मानता है। एंड ये वेट है 80 kg, जिसकी मैं 10 repetitions करूँगा, बट ये लाइट वेट ही ट्रेनिंग अभी मैं कर रहा हूँ, बिकॉज राइट शोल्डर मेरा अभी रिकवर नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया उसको, बट उसकी अभी रिहैब चल रहा है, तो धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, बट एकदम 100% ठीक नहीं हुआ मैं बोलूँगा। तो इसमें भी कई रेपिटेशंस में मुझे थोड़ा डर था कि वहाँ पेन ना आ जाए अगेन एंड अगेन, तो 8th, 9th, 10th रेपिटेशन में हमेशा पॉज करके करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद इंक्लाइन बारबेल प्रेस, जिसके 10 से 12 रिपीटेशन एंड 3 sets, एंड उसके साथ अल्टरनेट वर्कआउट भी असिस्टेड केबल फ्लाई। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी चेस्ट को एक्टिवेट करती है, आप भी अपने वर्कआउट में एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा पम्प फील होएगा एंड बहुत ही अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्शन भी फील होएगा, तो ट्राई करके ज़रूर बताना। जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, शायद शोल्डर्स करूँ, तो शोल्डर्स की बस एक ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डंबल प्रेस, बहुत ही हल्के डंबल से 12 repetitions into 4 sets। एंड वर्कआउट मेरा कोई सा भी हो, चाहे बैक हो,
लेग्स हो, तो उसके बाद आई सजेस्ट एवरी वन एंड मैं खुद भी 4 किलोमीटर 4 मिनट में 1 किलोमीटर भागने का टारगेट करता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था ये, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा फैट बर्न होता है। कार्डियो वर्कआउट के बाद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फैट बर्न होने में, बिकॉज आप अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा चुके होते हो, उसके बाद आपकी जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको फैट लॉस करने में। तो आप भी अगली बार ट्राई करना और मुझे बताना 1 किलोमीटर आपका कितनी देर में हुआ है। मेरे को 4 से 4.5 मिनट लगते हैं 1 किलोमीटर भागने में, तो आप एक बार करके बताना, ठीक है। एंड तक आते आते मैं ऐसे था कि बस अब हो गया गया मैं गया, बट जैसे तैसे मैंने 1 किलोमीटर कंप्लीट कर ही लिया था। तो सब हो गया, क्लासेस हो गई और मैं घर आता हूँ, घर आ गया मतलब। तो बस एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दिखाता हूँ आपको, रुको। हाँ, तुम्हें क्या है, तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये मैं आता हूँ तो मुझे मेरा खाना ऐसे सजा हुआ मिलता है। मम्मी बहुत अच्छी हुई थी, रिमोट भी उसी जगह रखा हुआ है। देखिए क्या क्या है, ये खीरा, चटनी, आलू की सब्जी, 250-300 ग्राम पनीर, चावल, ये गोभी आलू, ये दाल, तो सब कुछ है, अचार भी है, और अभी दूध और दही उसमें रखा हुआ है। तो ये एक होती है हाई प्रोटीन डाइट, इसमें दाल सारी गाढ़ी गाढ़ी है, पनीर है, चावल। तो मैं हर किसी को यही सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जो प्लेट होती है ना, उसमें बस आप ये ध्यान रखो करो करो कि प्रोटीन का कंटेंट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हो, ठीक है। एंड सारे ही ऑलमोस्ट पढ़े लिखे होते हैं, कि सबको पता है कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में है, किन में नहीं है, बट अपने टेस्ट बड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हर कोई। सो मैं एक सिंपल सा उनको एग्जाम्पल देता हूँ, आप इन्वेस्ट भी उसी जगह, पैसे इन्वेस्ट उसी जगह करते हो ना जहाँ पे आपको पता है ग्रोथ होगी, यहाँ मतलब फ़ायदा मिलेगा, तो प्रोटीन से आपकी बॉडी में ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर आपको खाने की न्यूट्रिशनस वैल्यू पता होगी, तो उसके बाद भी आप मतलब अच्छा खाना खाना प्रेफर करोगे। फॉर एग्जांपल एग्स की न्यूट्रिशनस वैल्यू बहुत अच्छी है, मतलब एक बॉइल्ड एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो वैसे ही हर चीज़ को तोल बोल के खाऊँ, ठीक है। एंड तगड़े होते रहो, खाना अच्छा खाते रहो, बिजी रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, होपफुली जल्द से जल्द। चलो, ओके बाय, हरे कृष्णा।